आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। 19 जून जयपुर, 20 जून अमृतसर, 21 जून अहमदाबाद, 22 व 23 जून मुंबई, 24 जून बेंगलोर, 25 व 26 जून दिल्ली। इसके अलावा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। संपर्क 09529020222। प्रिय साथियों, बहुत अभिनंदन, हृदय से स्वागत। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक सवाल मेरे सभी प्रिय श्रोताओं से, सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यदि आप एक पत्नी हैं तो जब जब भी आपने आज तक अपने पति पर गुस्सा किया है, आपने खुद इनिशिएटिव लेकर के, यदि आप एक पति हैं तो आज तक के इतिहास में जब जब भी आपने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया है इनिशिएटिव लेकर के, मतलब की शुरुआत करके, उनमें से कितने आप आज गिनवा सकते हो कि वो जो मैंने गुस्सा किया था वो बहुत बढ़िया किया और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। मुझे लगता है कि कभी भी किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है। जो भी गुस्सा करता है, सबसे ज्यादा नुकसान गुस्सा करने वाले का स्वयं का होता है, और जब वो यदि पति पत्नी के संबंधों पर हो तब फिर उसको तो हर मामले में सिवाय आपके नुकसान के और कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर आज मैं बात करूंगा कि यदि सबसे पहली शर्त आपको ऐसा लगता है कि आपका आपकी वाणी पर, आपकी जबान पर यदि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और आप ये बात मानते हैं और साथ में ये चाहते हैं कि कभी भी आगे इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ना हो कि झगड़ा आप दोनों के बीच में हो, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। इस पर हम बात करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक कमेंट का उत्तर देते हैं जो कि हमें आप लोगों के ही द्वारा कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, ज्योतिष में बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका डिपार्टमेंट, जिसका विभाग है वाणी। वाणी किसी की मधुर है, बहुत मिठास भरी हुई है, या फिर उसके मुंह से यदि अंगारे ही बरसते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति का अपना कोई दोष नहीं है। उसकी कुंडली में कहां पर बुध विराजमान है और उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा या उसकी युतियां क्या निर्मित हो रही है, ये सबसे ज़्यादा इसी बात पर डिपेंड करता है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही साधारण से परंतु बहुत चमत्कारिक और प्रभावी उपाय लेकर के आए ताकि जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जा सके। साथियों, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती है, परंतु परिस्थितियों को संयम से सहन करना और उसको कुछ हद तक बदलना हमारे हाथ में अवश्य होता है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आप भी यदि बार बार जीवन में इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और गुस्सा करके आप पछताते हैं और इस गुस्से की वजह से आपके जो संबंध हैं और ख़ास तौर पर जो दाम्पत्य संबंध है वो टूटने की कगार पर आ गए हैं, तो ये उपाय आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। करना आपको क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए और उससे भी ज़्यादा ध्यान से और इसको पूरी विधि के साथ में आप अपनाएं, और ना केवल आप अपनाएं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। 17 बुधवार का ये उपाय है। 17 का नाम सुनकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ है आपकी पूरी जिंदगी, जिंदगी की शांति, और एक तरफ है 17 बुधवार, ज्यादा नहीं है। 17 बुधवार का ये आपका उपाय आपको पहले 3 बुधवारों में ही परिणाम देना शुरू कर देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप कमेंट में मुझे इस पर बता सकते हैं, पर मेरी बातों पर आपको चलना होगा। बुधवार को कोई भी पक्ष हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आपको बुधवार को ही ये उपाय करना है और दिनों पर नहीं करना है। सुबह आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, निवृत्त हो जाइए जरूरी कार्यों से, और शरीर पर कोई ना कोई हरे रंग का वस्त्र आपको जरूर धारण करना है। इस दिन आपको व्रत भी रखना है, और व्रत में आप मूंग, जो मूंग की दाल आती है, उससे बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन कर सकते हैं, परंतु हाँ,
नमक का आपको सेवन इस दिन नहीं करना है। और जब भी आप चाहे तो सुबह भोजन कर सकते हैं या दोपहर में या शाम को, एक वक्त आपको भोजन करना है। भोजन करने से पहले 3 तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के जिह्वा पर रखने हैं और पानी के साथ में उसको निगल लेना है। और यही प्रार्थना करनी है बुध ग्रह से, बुध देव से, कि मेरी वाणी में जो कटुता आ गई है उसको मिठास में परिवर्तित कर दे। जादुई असर है साथियों। ऐसा करके आप भोजन ग्रहण करें और संध्या काल से कुछ पहले जो मैं अब मंत्र आपको बतलाने जा रहा हूं उसका 108 बार अर्थात एक माला आपको जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ये चमत्कारिक बुध का मंत्र है। आप देखेंगे कि कैसे आप उन परिस्थितियों में भी अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करते हैं जबकि आप गुस्से से तिल मिला रहे हैं, और इसका परिणाम होगा कि आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा और आपको कभी भी अपनी कही हुई बात पर पछतावा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई और उपाय हो सकता है। और बहुत ही अनिवार्य चीज कि 17 बुधवारों तक जब तक आपका ये प्रयोग चल रहा है आपको अपने पति या पत्नी से किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा नहीं करना है। हजारों बार झगड़े आप कर चुके हैं, हजारों बार आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, पर मेरे कहने पर 17 बुधवारों तक जब तक ये उपाय चलता है आपको उसको सहन करना है। इसका परिणाम आप मुझे स्वयं बताइए। साथियों ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है राजीव रॉय जी का, जो कि हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। आपने पूछा है अपने भाई के विवाह के बारे में कि उनका विवाह कब होगा, जरूरत से ज्यादा डीले देरी हो चुकी है, क्या इसका कारण है। राजीव जी, आपके भाई की जन्म पत्रिका का जो सप्तम भाव है वहां पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं अकेले, और इसी कारण से इनके विवाह में इतनी ज्यादा देरी हो रही है और ऊपर से इनको चल रही है राहु की महादशा। अब इनको उपाय के तौर पर किसी भी एक ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित है उसकी शिक्षा में ये किसी भी प्रकार का यदि योगदान अपनी तरफ से देते हैं, चाहे वो पैसों का हो या समय का हो, तो इनके शीघ्र विवाह के बहुत जल्दी आसार बनते हैं। आप जरूर इसका लाभ लीजिए। तो साथियों हमारा ये छोटा सा प्रयास आर्य सत्य आज आपके लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइए, और मुझे अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन दबाइए। आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।